बुधवार को छाता तहसील में धान और कपास की फसल को लेकर किसानों ने धरना दिया। किसानों की धान की फसल पूरी तरह से नष्ट हो जाने के कारण वे मुआवजे की मांग कर रहे थे, जिसमें किसानों ने कहा कि उनकी फसल एक कीट लग जाने के कारण पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है। काफी दवा छिड़कने के बाद भी वे अपनी फसल को नहीं बचा पाए। किसानों ने तरह तरह के अधिकारियों पर आरोप भी लगाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भगवत स्वरूप पांडे है। अच्छा पांडे जी, बताएं आज एसडीएम साहब से मिले, क्या विशेष रहा? एसडीएम साहब से मुलाकात की आदरणीय मंत्री जी ने, चौधरी लक्ष्मी नारायण जी ने। क्षेत्र में जिस समय धान का नुकसान हुआ था तो आदरणीय मंत्री जी ने हम सभी किसानों की विशेष मेहनत के साथ में और उसके साथ में क्षेत्र का सर्वे करवाया। बीमा कंपनी के माध्यम से हमने गांव में जा जाकर क्रॉप कटिंग कराई और किसानों का जो नुकसान था, जैसे हमारी रनवारी है, उमराया है, छाता है, खानपुर है, अलवाई है, सांकी है, इधर सैमरी है, कमई है, तो उनका भी हमारे ऊपर वृद्ध हस्त की तरह हाथ रहा। उन्होंने भी हमारे साथ पूरी मदद की, तो मैं आदरणीय मंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, आदरणीय डीएम साहब को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और एसडीएम साहब को भी बधाई देता हूँ, जिन्होंने वो गांवों में पटवारी भेजकर किसानों से क्रॉप कटिंग कराई। और मेरा सभी किसानों से आग्रह है, जिन किसान भाइयों के केसीसी में खाते हैं और उनके खातों में लिंक आधार कार्ड नहीं हुए हैं, उसमें टाटा एआईजी पैसा नहीं देगी। तत्काल किसान भाई टाटा एआईजी से पैसा लेना है तो आधार खातों को लिंक कराएं। और अब तक हमारे क्षेत्र में 5.5 लाख के करीब पैसा आ चुका है और करीब 1.32 अरब के आसपास क्षेत्र में पैसा आना है। इसमें सबसे ज़्यादा जो हम लोगों का साथ दिया आदरणीय चौधरी लक्ष्मी नारायण मंत्री जी ने दिया और एसडीएम साहब ने दिया। लेकिन अब उपजिलाधिकारी वरुण कुमार पांडे ने बताया कि हमारे क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 50 करोड़ टाटा एआईजी कंपनी ने आवंटन किया है। इसके साथ साथ उपजिलाधिकारी वरुण कुमार पांडे ने सभी किसानों से ये अपील भी की कि वे अपने केसीसी खातों से आधार कार्ड लिंक अवश्य कराएं। सर बताएं, आज आपसे आगे कुछ किसान मिले, क्या प्रक्रिया रही, किसान किस विषय में मिले? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत तहसील छाता में ओलावृष्टि हुई थी, जिसमें यहाँ भारी नुकसान हुआ था। उसकी रिपोर्ट यहाँ से शासन को भेजी गई थी। उसी के क्रम में शासन स्तर से अभी तक बीमा कंपनी के माध्यम से जिन लोगों ने बीमा कराया था, 50 करोड़ रुपया बीमा कंपनी ने मुक्त किया है। और जल्द ही, जैसे ही लोग अपने आधार कार्ड को बैंक खाते से लिंक करा लेते हैं, ये बीमा उन्हें हस्तांतरित, बीमा धनराशि उन्हें हस्तांतरित कर दी जाएगी। तो मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि जो भी हमारे कृषक भाई हैं जो लगातार प्रीमियम जमा करते आए हैं, वो अपना आधार नंबर जरूर से खाते से लिंक करा लें।